Hello, dear students. How are you all? I am your science teacher, Vedhi Ma'am, and today we will be doing the remaining portion for our chapter number 12. We already started discussing with chapter number 12, soil, and today we will be starting with long answer type questions. Okay? Yes.

सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है ठीक है दैटवीन टू और थ्री सेंटेंसेस सो व्हाट कैन वी राइट इज सैंडी सॉइल हैज लॉट्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स विथ लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन सैंडी सॉइल में क्या होता है सैंडी सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स रेत की बनी हुई होती है और वो जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं ना वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें बहुत सारी स्पेसिस होती है बिटवीन किसके बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में बट अगर लोमी सॉइल की बात करें तो द लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ लोमी सॉइल किस किस से बनती है सैंड प्लस क्ले एंड अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूम तो इतना डिफरेंस अभी के लिए काफी है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन हाउ डू सॉइल ऑर्गेनिज्म मेक्स द सॉइल फर्टाइल सॉइल ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है कैसे वो सॉइल को फर्टाइल करते हैं तो क्या लिखेंगे आंसर द सॉइल ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थ वॉर्म्स बैक्टीरिया एंड सॉइल फंजाई कौन कौन से सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थवॉर्म बैक्टीरिया एंड सॉइल फंजाई क्या करते हैं दे ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो प्लांट और एनिमल जो मिट्टी में दब जाते हैं धस जाते हैं उनको वो और छोटे छोटे पीसीस में ये अर्थवॉम बैक्टीरिया और सॉइल फंजाई तोड़ते हैं एंड चेंज दम इंटू सिंपल सब्सटेंसेस और ये प्लांट और एनिमल के जो रिमेन होते हैं ना उनको भी ये मिट्टी जैसा ही बना देते हैं दीज सब्सटेंसेस में द सॉइल फर्टाइल ओके थर्ड क्वेश्चन लिस्ट थ्री यूजेस ऑफ सॉइल बहुत सारे यूजेस दिए हैं आपको तीन यूजेस लिखने हैं क्या क्या लिखेंगे हम soil is used to make पॉट्स to store water and vessels to cook food मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि soil से क्या होता है पॉट्स मटके बनाते हैं और मटके में हम क्या करते हैं पानी स्टोर करते हैं एंड वेसल्स टू कुक फूड खाना बनाने के बर्तन भी हम मिट्टी से बनाते हैं मैंने बोला था ना बाजरे की रोटी सेकने के लिए वो जो हम तवी लेते हैं बनाते हैं वो किससे बनी होती है Soil से। सेकेंड वन सम पीपल इन विलेजेस स्टे इन हाउसेस मेड फ्रॉम मड और सॉइल कुछ लोग होते हैं वो हट्स में रहते हैं झोपड़े में कच्चे मकान में रहते हैं और उसकी जो दीवारें हैं वॉल्स है वो किससे बनी होती है मड एंड सॉइल से बनी होती है थर्ड यूज सैंड विच इज अ पार्ट ऑफ सॉइल होता है ना सॉइल के अंदर सैंड भी होता है नाउ दैट सैंड इज यूज टू मेक ग्लासेस आपके दादाजी दादी जी के जो चश्मे के जो ग्लासेस है ना वो किससे बनते हैं सैंड से सैंड किस में होती है सॉइल में तो देखा सॉइल कितनी यूजफुल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वॉट डज सॉइल कंटेन सॉइल में क्या होता है तो आंसर विल बी सॉइल इज मेडअप ऑफ पेबल्स क्या होता है एक तो पेबल्स देन सैंड सिल्ट क्ले एंड ह्यूमस क्या होता है वन इज पेबल सेकेंड इज सैंड थर्ड इज सिल्ट फोर्थ इज क्ले फिफ्थ इज ह्यूमस सॉइल ऑल्सो हैज एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये भी आपको याद रखना है कि मिट्टी में एयर भी होती है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ओके फिफ्थ क्वेश्चन वाई डज वाटर फ्लो इजिली थ्रू सैंडी सॉइल अभी सैंडी सॉइल में से पानी इजिली कैसे बह जाता है तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन सैंडी सॉइल द स्पेसिस बिट्वीन द सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच में जो जगह होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दिस मेक्स वाटर टू पास थ्रू द सैंड इजीली अभी जैसे समझ लो कि ये देखो इतनी सारी हव, अगर स्पेसेस हैं तो इसमें आसानी से पानी जो है वो बह जाएगा रेन वाटर देयर फॉर सीप्स थ्रू सैंडी सॉइल वेरी क्विकली जो भी रेन वाटर होता है वो सैंडी सॉइल जो होते हैं उसमें से जल्दी ही बह के निकल जाएगा सो यू विल बी राइटिंग दीज क्वेश्चन आंसर्स In your notebook with neat and clean handwriting. Here we complete our chapter, chapter number 12, soil, and you have to be ready for the class test as well. Okay? Bye bye.